आप जो उस फ्लास्क में बॉइलिंग देख रहे हैं वो बॉइलिंग नहीं है, वो उस पाइप से निकलता वो ऑक्सीजन है। और ये हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी हॉस्पिटल में क्विक इंस्टेंट ऑक्सीजन जनरेशन के लिए। तो क्या है ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट का काम? मैंने उन इंडियन साइंटिस्ट से बात भी की है, हम जल्दी जानेंगे उसके बारे में। तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे ऑक्सीजन जनरेशन के बारे में। तो न्यूज में काफी सुनाई दे रहा है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन, ये सब है क्या? तो सबसे पहले बेसिकली या बेसिक्स में ये इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन जनरेट कैसे होता है वो समझ लेते हैं एकदम बेसिक वे में। देखो एकदम सिंपल बोलूँ तो तीन स्टेप्स होंगे मिनिमम। ये तीन स्टेप्स के बीच में या आगे पीछे एक्स्ट्रा स्टेप्स हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है आपका कंप्रेशन, यानी आप बाहर से हवा लोगे, उसे कंप्रेस करके हाई प्रेशर में पंप करोगे। क्यों, आगे समझाता हूँ। सेकेंड स्टेप है आपका सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, जो भी बोलो, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें मोस्टली नाइट्रोजन है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन और बचे कुछ है वो बहुत कम है। तो हमें ऐसी चीज चाहिए जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर दे। तो एक ऐसा ऑब्जॉर्बेंट चाहिए जो नाइट्रोजन को खुद में एंटर कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। और यही एक गैसेस की प्रॉपर्टी है कि जब हाई प्रेशर में होते तो उन्हें एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो जियोलाइट्स एक कॉमन ऐसी चीज है जो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे ही नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो गया बचा कुछ ऑक्सीजन पास हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है स्टोरिंग। अब हम इसे ऐसी भर के स्टोर नहीं कर सकते। सपोज मैंने एक कैनिस्टर भर दिया ऑक्सीजन से नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर पे तो इनएफिशिएंट होगा। तो मोस्ट एफिशिएंट वे होगा क्रायोजेनिकली स्टोर करना। क्रायोजेनिक मतलब क्या? क्रायोजेनिक मतलब बहुत कोल्ड टेम्परेचर। तो जब हम ऑक्सीजन को क्रायोजेनिकली स्टोर करते हैं वो लिक्विड हो जाता है, यानी पानी जैसे बन जाता है वो, और वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है। अगर आपको हवा यानी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लिक्विड ऑक्सीजन में बदलना है तो उसे -183 डिग्री सेल्सियस के नीचे स्टोर करना पड़ेगा, फिर जाके वो लिक्विफाई होगा। और इसका एडवांटेज क्या है बताया? गजब डेंसिटी। गजब मतलब देखो, अगर मैं एक कैनिस्टर को 1 एटमॉस्फेयर पे भरूं, उसी सेम कैनिस्टर को लिक्विड ऑक्सीजन से भरूं, तो वो ऑलमोस्ट 861 टाइम्स ऑक्सीजन ज्यादा स्टोर करेगा। मतलब अगर एक ट्रक जो आप देखते हो टीवी के ऊपर वो नॉर्मल ऑक्सीजन 1 एटमॉस्फेयर पे लेके आए, पर सेम ट्रक 861 या लिक्विड ऑक्सीजन लेके आए तो वो 861 ट्रक से इतना काबिल होगा। मतलब गजब डेंसिटी है लिक्विड ऑक्सीजन की। मजा आ गया सुन के ये। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखो। एक और वर्ड आपको सुनाई दे रहा है मीडिया में, वो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी एक टाइप ऑफ ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम है, पर इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम पीएसए करके एक सिस्टम इस्तेमाल होता है, यानी प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बर्स। मतलब दो जियोलाइट के कैनिस्टर होते हैं बेसिकली, एक में एक बार भेजा जाता है गैस, उसमें से ऑक्सीजन निकलता है, पर उसका नाइट्रोजन भी देखो एक लिमिट पे ही एब्जॉर्ब होगा जियोलाइट पे ना, फिर जियोलाइट बंद कर देंगे एब्जॉर्ब करना एक बार भर गए तो। तो एक सिलेंडर भरने के बाद दूसरे सिलेंडर पे स्विच करते हैं और जिस सिलेंडर का जियोलाइट कॉन्सेंट्रेट हो गया, सैचुरेट हो गया, उसमें डी प्रेशराइज करने लगते और नाइट्रोजन निकालने लगते हैं। तो ऐसे स्विंग हो रहता है, स्विंग होता रहता है एक सिलेंडर से दूसरे में प्रेशर से, इसलिए उसका नाम है प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बर्स या एब्जॉर्प्शन। तो ये है ये सब। अभी आते हैं हमारे साइंटिस्ट के ऊपर। तो जो हमारे साइंटिस्ट ने काम किया है वो है अपने डॉक्टर होटा, डॉक्टर रापोल और डॉक्टर नायर। ये आईसर पुणे के हैं। डॉक्टर होटा और डॉक्टर रापोल से मेरी बात हुई, उनके साथ वीडियो कॉल किया, उन्होंने सब कुछ समझाया उनकी तरफ से क्या है कैसा है वगैरह, काफी काइंड थे, अच्छा लगा बात करके। और ये जो वीडियो है उन्होंने मेरे लिए अर्जेंटली भी लाइक कैसे भी करके अरेंज करवाया। मिडनाइट है, मतलब अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 1 बज गया। तो थैंक यू विवेक को भी जो मीडिया टीम से आए सर के। तो ये एक बार वीडियो देख लेते हैं और क्या चल रहा है इसमें समझ लेते हैं। देखो इसके अंदर एक बड़ा बॉक्स है, करेक्ट, ये केमिकल रिएक्टर है, मतलब इसके अंदर रिएक्शन होगा। इसके अंदर से एक पाइप निकल रहा है, ये पाइप ऑक्सीजन कैरी करेगा। ये थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जाता है जो फ्लो रेट वगैरह मेजर करते हैं, मतलब कितना ऑक्सीजन निकल रहा है वगैरह। और फिर उन्होंने पाइप पानी में डाला ताकि विजुलाइज कर सके हम कि कैसे ऑक्सीजन निकल रहा है। अब डॉक्टर होटा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये करीब 5-7 लीटर्स पर मिनट प्रोड्यूस कर सकता है, जो बेसिकली एक रिक्वायरमेंट है, जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की पेशेंट के लिए, जो मस्त है। तो ये काम कैसे करते हैं अभी मैं आपको वार्न कर दूं, मैं अभी केमिकल रिएक्शंस बताऊंगा, पर आप ये घर पे ट्राई मत करो और मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर आप कुछ गलत कर देते हो, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब ये काफी सारा हीट रिलीज करेगा। तो इसे कंट्रोल्ड वे में करना है, मतलब ऐसे ही, मतलब बस पेल दो वैसा मत करो ये सब। तो क्या है ये रिएक्शन? तो देखो इस केस में जो यूज कर रहे हैं वो है मेनली सोडियम परकार्बोनेट।
अब सोडियम पर कार्बोनेट एक कॉमनली अवेलेबल कंपाउंड है जो डिटर्जेंट्स, लुब्रिकेंट्स उस सब में मिल जाता है, लुब्रिकेंट्स नहीं डिटर्जेंट्स और सोप वगैरह। तो उन्होंने जान पूछ के ये स्पेसिफिकली चूज किया क्योंकि ये इजिली अवेलेबल हो सकता है। बाकी काफी वेज है केमिकल जनरेशन ऑक्सीजन के, पर ये उन्होंने स्पेसिफिकली चूज किया क्योंकि इजिली अवेलेबल रॉ मटेरियल था। उसके बाद क्या, अब देखो सोडियम पर कार्बोनेट ये बेसिकली एक एडक्ट है दो चीजों का, एक तो है सोडियम कार्बोनेट और दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब हम सोडियम पर कार्बोनेट को पानी में मिलाएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आप अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो ज्यादा पैनिक मत करो, उतना भी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं मैं, जितना हो सके उतना डम डाउन करूंगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपना एक हिस्ट्री है H2O2 का, वो पहले मोनोप्रोपेलेंट में भी यूज हो चुका है रॉकेट्स में, तो वो खुद में एक इंटरेस्टिंग चीज है। अभी H2O2 मिलने के बाद हमें उसमें मिक्स करेंगे पोटेशियम पर मैंगनेट यानी KMnO4। ये जब रिएक्ट करेगा तब हमें मिलेगा ऑक्सीजन और MnO2 और दूसरे प्रोडक्ट्स में मिलेंगे जैसे KOH और पानी वगैरह। MnO2 इस केस में काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो खुद एक कैटलिस्ट है, तो ये रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है पूरी चीज। अब देखो इस प्रोसेस के पूरे लिमिटेशंस भी है क्योंकि ये कुछ ही दिन हुए इसके ऊपर काम कर रहे, फिगर आउट कर रहे हैं कि प्रोडक्शन में कैसे होगा, मतलब पेशेंट के वहां कैसे काम करेगा, क्या वो छोटा कैनिस्टर होगा या बड़ा कैनिस्टर होगा, उसे रिएक्शन कैसे कंट्रोल करेंगे। और होटा सर कह रहे थे कि फोम्स का भी इशू आ रहा है तो उन्हें फोम का इशू वगैरह सॉल्व करना है, तो ये सब प्रॉब्लम से सॉल्व होंगे। जब वॉर होता है, क्राइसिस होते है, तभी इनोवेशन एक पीक पे आता है। हाँ ये रिएक्शन कौन सा स्पेशल नहीं है, कॉमन रिएक्शन है, पर उसे इस तरह यूज करना ये काफी स्पेशल है। तो देखते हैं कहां जाता है। थैंक्स टू होटा सर, उमाकांत सर जिन्होंने हेल्प की। अगर आपको इसके अपडेट्स चाहिए तो मैं उनका लिंक दे दूंगा ट्विटर का, मेरा लिंक दे दूंगा ट्विटर का, फॉलो कर सकते हो। इसके लिए हो सके तो मेंबर बन जाओ, ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद जय भारत। स्पेशल थैंक्स टू कार्तिका देवाल, वुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्ण, हरमन संगा, नारायण प्रसाद, सुमित अंडड़े, हिमांशु शंकर, गौरव बजाज, गगनदीप भाटिया, सिद्धार्थ कृष्णन, सचिन यादव, कुशवी मेहता, आकाश पटेल, तन्मय देशपांडे, स्वदेशी क्वांटम संगणक, अभिषेक श्रीवास्तव, सत्यम, निशन कुमार, प्रिंस बंसल, गीका मेल्स, विनय अग्रवाल और आलिया सगर भूरी, सब मेंबर्स को शुक्रिया।